राजस्थान मौसम विभाग का अलर्ट, आगामी चार दिनों के लिए भारी बारिश के लिए जारी किया गया अलर्ट। आगामी चार दिनों में मॉनसून प्रदेश में रहेगा सक्रिय। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की जताई संभावना। 10 और 11 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी प्रदेश के पूर्वी इलाके में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में पाली के सोजत में 76 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं रविवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पेलानी में 44 मिलीमीटर और चित्तौड़गढ़ में 16 मिलीमीटर और भीलवाड़ा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं डबोक में भी बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिन प्रदेश में मानसून का दौर जारी रहेगा। विभाग ने कई इलाकों में बारिश की संभावना जताते हुए पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर संभाग में अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी जयपुर में भी आज दिन भर बादल छाए रहे, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम के बदलाव के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री श्रीगंगानगर का रहा। राजधानी जयपुर में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री और 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आगामी चार दिन ऐसा रहेगा मौसम का हाल। 10 अगस्त पूर्वी राजस्थान में कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून सक्रिय रहेगा। यहाँ बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, पाली जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि चूरू, नागौर में कहीं कहीं भारी बरसात का येलो अलर्ट विभाग ने जारी किया है। 11 अगस्त पूर्वी राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर जिले में कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, टोंक, उदयपुर में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई गई है। 12 अगस्त पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में कहीं कहीं पर भारी बरसात की संभावना जताई गई है। 13 अगस्त अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर जिले में कहीं कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है। 11, 12 और 13 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में मौसम को लेकर कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है, यानी यहाँ मौसम शुष्क रह सकता है। प्रदेश के विभिन्न शहरों की अगर बात करें तो उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार है। अजमेर अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.8, जयपुर 34.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25.6 डिग्री सेल्सियस, कोटा अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 27.1, डबोक 31.0 अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 25.4, बाड़मेर अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.9, जैसलमेर की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर शहर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री। बीकानेर की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री। चूरू की बात करें तो अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा।